गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का एक बहुत ही जबरदस्त इनइक्वालिटी का कांसेप्ट लाया है बताने के लिए। यह ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी तो हमने कई जगह देखी है, जब ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी आ जाए हमारे सामने तो हमें क्या करना चाहिए, चूंकि मतलब जेईई मेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब जो रेगुलर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए भी पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये खास बात कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी मतलब जैसे साइन एक्स है, मतलब 2 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछ दिया बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहां पर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 / 2 लिख लिया, हमें सबसे पहले इसका ना ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन एक्स का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ से हम सॉल्व करें तो बहुत ही फटाफट हमें सॉल्व हो जाएगा, और यदि थ्योरेटिकली हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा। तो हमें सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाना, हमें याद रखना है साइन एक्स का ये ग्राफ होता है 0 से 2π में, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया हमने। तो 0 से 2π में जैसे ही ग्राफ बना लिया बच्चों हमने, अब हमें पता करना है कि साइन एक्स 1/2 कहाँ पे होगा। तो साइन एक्स 1/2 हमें पता करना होगा, साइन एक्स 1/2, तो साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव किसके क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका एक्स का वैल्यू दो जगह होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री को 1/2 होता है साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो पाई माइनस थीटा हो जाता है, पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5π/6। ये दो वैल्यूज होंगे जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। तो बहुत आसानी से हमें मार्क बना देना कि 1/2 कहां पे और माइनस 1/2 कहां कहां पे। एक तो हमारा पाई बाय 6 पे होगा यानी कि 0 के जस्ट आगे एक पाई बाय 6 होगा, यहां पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी, ये रही 1/2 की वैल्यू, यहां यहां वाई की वैल्यू 1/2 होगी, और एक और होगा बच्चे पाई से ठीक पहले, पाई से ठीक पहले कहां पे होगा 5π/6 पे, यहां पे 1/2 होगा, है ना। तो ये 5π/6 है बच्चों, यहाँ पर फिर से 1/2 होगा। अब हमें देखना है कि साइन एक्स वैल्यू 1/2 से ग्रेटर, जब ये ग्रेटर का साइन होता है, ये किसका साइन होता है बच्चों, ग्रेटर का, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा 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 बड़ा, मतलब 1/2 से बड़ा ले रहा है, तो 1/2 से बड़ा ये 1/2 है, ये y बराबर 1/2 है, तो 1/2 से बड़ा मतलब इससे ऊपर ही बड़ा ही होगा, इससे नीचे होगा जो छोटा होगा। तो 1/2 से बड़ा कहाँ पे होगा, बिल्कुल ये जो पोर्शन है हमारा, अब ये जो पोर्शन है मार्क लगा रहे, ध्यान देना जो मार्क लगा रहे यही 1/2 से बड़ा वाला पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा ये हमारा 1/2 से बड़ा होगा। तो ये वाई के लिए एक्स क्या होगा, एक्स हमारा इसके बीच में होगा, तो हमारा ये वाई होगा, यानी एक्स क्यों हमें क्या लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, 5/6 से 5/6 में होगा, तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। और हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस ध्यान से ये वैल्यू लिख देनी है। और यदि जनरल सोल्यूशन बोले, ये तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन बोले तो जनरल सोल्यूशन में हमें क्या करना होगा, बस 2nπ जोड़ देना है सोल्यूशन में, सोल्यूशन में कुछ नहीं करना है, 2nπ जोड़ देना है, 2nπ + 5/6 और 2nπ + 5π/6, और ये जनरल सोल्यूशन आ गया बच्चों। तो जनरल सोल्यूशन ये ध्यान रहे कि n की वैल्यू इंटीजर होगी, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो n π 2nπ + 5/6 से 2nπ + 5π/6 ये हमारा सोल्यूशन इंटरवल हो गया। बहुत आसानी से हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, एकदम आसान सा काम है, देयर इज नो टफ वर्क, है ना। अब यदि दूसरे क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं, ये सोल्यूशन याद रहे, हमें एक बात याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन है और ये सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट। अच्छा, 1/2 से ग्रेटर के लिए, ग्रेटर के लिए ये हो गया, तो लेस के लिए क्या हो जाएगा, यदि लेस का साइन होता है, तो लेस का साइन होता तो बचे हुआ सोल्यूशन होता, तो बचे हुआ सोल्यूशन क्या होगा, 0 से π/6 और 5π/6 से 2π, तो 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2π, यदि लेस होता तो 0 से π/6 और 5π/6 से 2π। तो ध्यान दें साइन एक्स 1/2 कहां पे होगा ये पता किया, साइन एक्स का ये ग्राफ याद रखना चाहिए, और बहुत आसानी से हम साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 को सॉल्व कर देंगे यहां से। दूसरी चीजों पर चलते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, हमारा टारगेट है कि इन शॉर्ट वीडियोस में बस पांच पांच क्वेश्चन बताऊं और 10 मिनट में फटाफट आपको कंसेप्ट सिखा दूं, ताकि ये कंसेप्ट आपको टॉपिक वाइज याद होता चला जाए और हमारा काम आसान होता जाए, भी आपका रिजल्ट बनता चला जाए। तो ये हमारा टारगेट है इन वीडियोज के पीछे, तो ध्यान देना बस, अब ध्यान दे के फटाफट आप लोगों को करते जाना है, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे मान लो है 2 sin x + 1 और रूट 2 साइन एक्स, मान लो रूट वाला है, तो रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, बड़ा आसान सा काम है भाई, साइन एक्स पहले लेस देन माइनस 1/√2, तो हम ग्राफ बनाएंगे भाई साइन एक्स का, फिर से अभी जो बनाया तो वही ग्राफ बनना है, कुछ भी नया नहीं है, साइन एक्स का ग्राफ यही होता है सारे क्वेश्चन में, यही बनाना है, ये 0 से π हो जाएगा, पाई से 2π हो जाएगा बच्चों, और ये 0 है ही हमारे पास, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, बहुत बढ़िया। अब हमें दूसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स माइनस 1/2, पहले हमें यह पता करना होगा कि साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1/√2 कहां पे है, तो साइन एक्स नेगेटिव कहां कहां होता है, एक तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यदि थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लेना हो तो आपको याद रखना है थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लेना है तो वो जगह 2π - θ, चलो माइनस थीटा,
तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई फोर, क्योंकि वन बाई रूट टू पाई बाई फोर पे होता है, एक बार रूट टू पाई बाई फोर पे होता है, इसलिए पाई प्लस पाई बाई फोर, एक हो जाएगा बच्चा टू पाई माइनस पाई बाई फोर। तो बहुत आसानी से हमें एक मिल गया क्या, फाइव पाई बाई फोर, पाई प्लस पाई बाई फोर, एक यहाँ पे होगा बच्चों फाइव पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर ये हो गया बच्चों, और एक हो जाएगा सेवन पाई बाई फोर, सेवन पाई फोर यहाँ पे होगा टू पाई से ठीक पहले, ये सेवन पाई बाई फोर। इन दोनों जगह ये वैल्यू जो आई हमारे पास, ये वाई बराबर माइनस वन बाई रूट टू। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, माइनस वन बाई टू रूट टू से लेस, ये लेस का साइन है बच्चों, किसका साइन है, लेस का, लेसर देन का, और लेस का साइन मतलब छोटा, छोटा मतलब उससे नीचे, ये y 1 by 2 है, y माइनस वन बाई रूट टू, इससे छोटा मतलब इसके नीचे, इसके नीचे में कौन सा पोर्शन होगा, ये जो शेड कर रहे हैं यही पोर्शन हमारा सोल्यूशन, इस पोर्शन के लिए हमारा आंसर क्या होगा, फाइव पाई बाई फोर से, फाइव पाई बाई फोर से सेवन पाई बाई फोर। फिर से वही बात, यदि जनरल सोल्यूशन बोलेगा तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, टू एन पाई जोड़ देंगे, टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाई फोर, और टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर, बहुत आसान है। और n की वैल्यू इंटीजर, n जीरो वन टू थ्री इंटीजर रखते जाएंगे, अगले अगले सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब एक कॉस का देखते हैं भाई, जस्ट साइन का देखते हैं कॉस में क्या होता है, कॉस में समझने के लिए हमें क्या करना है, देखेंगे ध्यान से, कॉस का समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए कॉस में क्या करना है, कॉस में बस कॉस का ग्राफ और कॉस का क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, कॉस कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है, तो कॉस का काम तमाम, बात खत्म, जेईई वाले एकदम तैनात हो जाए, क्योंकि जेईई में भी क्वेश्चन आना है, यहां से आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जेईई वाले एकदम तैनात हो जाए, इन सब का यूज होता ही होता है हर एक क्वेश्चन में, तो ये सब सॉल्व न होने के कारण दिक्कत रहती है बच्चों। कॉस वाले में देखें तो यदि कॉस एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू मान लो लेस देन जीरो है, इस बार इक्वलिटी नहीं, लेस देन जीरो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कॉस एक्स लेस देन माइनस रूट थ्री बाई टू कर दिया, अब फिर से कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है हमें इस वर्ग में, तो कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, बस दो ही तो ग्राफ है, साइन है कॉस, याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को याद रखता है, जीरो और ये हो गया टू पाई बच्चों, और ये बीच में आ गया यहां पाई। अब हमें सबसे पहले पता करना है बच्चों क्या, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू कहां होती है, तो कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, बस कॉस थीटा नेगेटिव कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वार्टर में कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वार्टर में हो जाएगा पाई माइनस रूट थ्री बाई टू कितने को होता है, पाई बाई सिक्स पे, और थर्ड क्वार्टर में पाई प्लस पाई बाई सिक्स, क्योंकि सेकंड ये थर्ड हो गया और ये हमारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है बच्चों। तो दो सोल्यूशन आ गए, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स, एक तो यहाँ पे हो गया बच्चों फाइव पाई बाई सिक्स, एक पाई प्लस पाई बाई सिक्स, इट इज सेवन पाई बाई सिक्स, ये दोनों जगह y की वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास क्या, माइनस रूट थ्री बाई टू। अब लेस कहेगा तो नीचे वाला, ग्रेटर कहेगा तो ऊपर वाला, अब लेस ही कह रहा है, लेस कह रहा तो भाई नीचे वाला सोल्यूशन हो जाएगा, और यदि ग्रेटर कहता है चेंज कर देते इसको, मान लिया चेंज कर देते, ग्रेटर कह दिया, ग्रेटर कह दिया, तो ग्रेटर कह दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर में ये पोर्शन हो जाएगा और ये दो पोर्शन हो गए, तो इस पोर्शन को कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, एक्स बिलोंग्स टू लिखेंगे जीरो से फाइव पाई बाई सिक्स, यूनियन सेवन पाई बाई सिक्स से टू पे, और यदि लेस ही रहता तो यहां से यहां लिख देते आंसर, और यदि इन जनरल करना है तो टू एन पाई जोड़ देंगे, टू एन पाई से टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स, यूनियन टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई सिक्स से टू एन पाई प्लस टू पाई, और एन बिलोंगिंग इंटीजर, बहुत आसान सा काम है, ये साइन का, ये कॉस का, अब एक टैन का भी देख लेते हैं, और तीनों का बन गया तो कॉट का तो अपने आप ही बन जाएगा, साइन कॉस टैन का बनाने आना चाहिए, कॉट का तो बनाना एकदम चुटकियों का सवाल हो जाएगा। देखिए कॉट का कैसे बनाएंगे बच्चों, कॉट का बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कॉट का कैसे बना, पहले टैन का देख लेते हैं ना, जैसे टैन एक्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, ओ भाई उधर इक्वलिटी नहीं था, इक्वलिटी नहीं था तो ओपन इंटरवल लगा देंगे, पिछले क्वेश्चंस में इक्वलिटी होगा तभी क्लोज इंटरवल लगाएंगे, जैसे वो था कॉस एक्स लेस देन माइनस रूट थ्री बाई टू था ना, तो मैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लिखना, ओपन इंटरवल, ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओपन इंटरवल लगाना, ठीक है, और ये दोनों में ओपन इंटरवल कर देना सोल्यूशन में,
हमने क्लोज इंटरवल लिख दिया इक्वलिटी के दिमाग में रखे, ठीक है। ओपन इंटरवल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा देना बस, क्योंकि बराबर का निशान होगा तो क्लोज ब्रैकेट, बराबर का निशान नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। टेन एक्स माइनस वन, टेन एक्स माइनस वन की वैल्यू देखेंगे तो टेन एक्स माइनस वन यदि देखेंगे तो टेन एक्स का ग्राफ ही होता है बच्चा हमारे पास, ये जीरो से पाई बाई टू और ये पाई बाई टू से पाई, ठीक है। अब टेन एक्स माइनस वन कहां पे होगा, तो टेन एक्स माइनस वन होगा किसके क्वाड्रेंट में, टेन थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा हमारा पाई माइनस पाई बाई फोर और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर एंड सेवन पाई बाई फोर, ये दो जगह हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थ्री पाई बाई फोर कहां पर हो गए, पाई माइनस पाई फोर, तो एक तो यहां पाई माइनस पाई फोर हो गया, यहां पर हमारा थ्री पाई बाई फोर, और चूंकि इसको जीरो से पाई में ही हम देख लेते हैं चूंकि पीरियोडिक विद पाई होता है तो हमें आगे का सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, तो थ्री पाई फोर पे माइनस वन होगा, यहाँ पे वैल्यू माइनस वन होगी बच्चों, यहाँ वाई की वैल्यू माइनस वन होगी। अब माइनस वन से ग्रेटर कह रहा है, ग्रेटर मतलब ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर वाला कौन सा पोर्शन होगा हमारे ग्राफ में, ये पोर्शन होगा ग्राफ का, ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, जीरो से पाई बाई टू एक्स बिलोंग लिखेंगे जीरो से, जीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू ओपन इंटर हो चुका, पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, यूनियन पाई बाई टू से, नॉट पाई बाई टू से, फिर आगे कहां से है, थ्री पाई बाई फोर से, थ्री पाई बाई फोर से पाई, ठीक है, थ्री पाई बाई फोर से पाई, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। यदि इसको जनरल करना तो एन पाई जोड़ देंगे इसमें, एन पाई से एन पाई प्लस पाई बाई टू यूनियन एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर से एन पाई प्लस पाई एन बिलोंगिंग इंटीजर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ओपन इंटरवल आएगा, बस ये ध्यान दे देना बच्चों, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है।